सो आज मैं घर का सारा सामान लेके जा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और किसी ने कीचड़ गिरा दिया मेरे सूट पे निकलते साथ ही, तो नजर लग जाती है यार। जैसे ही हम रेडी होके बाहर निकलते हैं, सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि हमसे डेली व्लॉग आएंगे, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि डेली व्लॉग्स आएँ और डेली मैं रात को एडिट करके आप लोगों के साथ पोस्ट करूं, ताकि आप लोग इंजॉय करें हमारे व्लॉग जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं करते उनका भी शुक्रिया। आप देखते तो है ना, बेशक पसंद ना करें। सो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की अलाइनमेंट करवाने, क्योंकि अलाइनमेंट उसकी ख़राब हुई हुई थी। क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी आ जाऊँ, तो चलते हैं अलाइनमेंट करवाते हैं। तो आप भी साथ देखते रहिएगा, और साथ शूट करती रहूँगी। सो बस जो जो हम डेली डेली जो जो करेंगे, छोटे छोटे काम जो भी करेंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है आपको भी लोग अच्छे लगते हैं और अच्छे लगते रहेंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, हम निकलते हैं बाहर, फिर गाड़ी के पास जाते हैं, फिर बात करती हूँ। पार्किंग पर आते आते हमारी वाट लग जाती है, हमारी टांगे काम करना छोड़ गई हैं, अभी और ऊपर जाना पड़ेगा। सो फाइनली अलाइनमेंट तो मैंने करवा दी, बाकी आपको हिस्ट्री में घर जाके बताऊंगी, बहुत लंबी स्टोरी है। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम घर भी आ गए हैं, और आप कह रहे हो गए थे अलाइनमेंट करवाने गई थी, अलाइनमेंट के बाद ना हमें कुछ दिखाया ना ही कुछ। तो असल में बात यह है कि मैं गई अलाइनमेंट वाले के पास, मैंने दो दिन पहले हम बैटरी लेने गए घर की, तो मैंने पूछा साथ ही शॉप्स वगैरह थी, तो मैंने उनसे पूछा मैं कि यार अलाइनमेंट का क्या रेट है और कितने की होती है। उसने मुझे बोला कि यार 400 रुपीज़। चलो ठीक है यार, कोई इतना खास खर्चा नहीं है, करवा लेते हैं जाके। सो मैं गाड़ी लेकर गई उनके पास जी, बड़े आराम से उन्होंने अलाइनमेंट के लिए खड़ी खुड़ी की। उसके बाद जी अगले टायरों की अलाइनमेंट करने के बाद एक राउंड लगा कर आए, उसके बाद आए वापस गाड़ी खड़ी की जी। इसके हम टायर्स वगैरह ओपन करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे। मैं कहा चलो यार बैलेंस भी करो, कितना हो जाएगा, चलो 400 और ऊपर डाल दो, कितना हो जाएगा। बहरहाल उसने जी सारे कहते हैं टायरों वगैरह को निकाला, उसके बाद मुझे कहा जी इसकी पिछली ब्रेकिंग, ब्रेक ही नहीं है जी, तो ब्रेक नहीं है तो गाड़ी कैसे चल रही है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। उसके बाद डिस्क नहीं है, और डिस्क जनाब जी मैंने कहा क्या हुआ है, तो कहता है एक जो पानी मेरे पास पड़ी हुई है, एक होंडा की है, होंडा की अगर आप लोगे तो 2500 रुपए की पड़ेगी, अगर मेरे से आप सेकंड हैंड यूज में लोगे तो आपको 1500 की पड़ेगी। मैंने जब उसकी हालत देखी तो यार वो तो मैं कहती हूँ मेरी वाले से भी खराब थी, और टूटी हुई है, यहाँ तक कि वो होता ना जैसे कि मेरी गाड़ी में से अब ये उतारेगा तो अपने पास रख लेगा, और बाद में वो भी 1000-1500 रुपए की सेल करेगा, ये सीन था। सो ये मुझे शक हो रहा था कि मैं यार ये कोई ना लूटने के चक्कर में बैठा है। बहरहाल मैंने सका दिखाओ, उसके बाद ओरिजिनल वाली जो थी ना वो नहीं थी उसके पास, जो मुझे उसने 2500 रुपए की बोली। मैंने मम्मा को कॉल की, मैंने कहा हाँ यार मम्मा जी ये इसका ये खर्चा आ रहा है, तो मम्मा ने बड़े गुस्से में मेरे से बात की, कहती है ये क्या गाड़ी ली है तुमने, मसला तो ये तो वो। बहरहाल मैंने वो बात खत्म कर दी। उसके बाद मैंने इसको कहा, मैंने कहा चले ठीक है आप ऐसा करें, एक दो दिन के बाद मैं आपसे ना करवा लूंगी चेंज, तो भी आप इसको ऐसे ही बंद कर दें। बहरहाल उसने गाड़ी बंद कर दी, और कहते हैं टायर वगैरह सारे सेट करके, और पीछे पिछले वाले टायरों की भी ना अलाइनमेंट कर दी। तो देन उसके बाद जब उसने गाड़ी मुझे दी हैंडओवर मेरे की, तो मुझे कहता है जी, मैंने कहा अच्छा बताएं आपके कितने पैसे हो गए, तो बड़े नाम से कहता है कि जी 3400 रुपया। मैं कहा 3400। मैं कहा 3400 किस चीज के, जबकि मैंने आपने अलाइनमेंट की है, और उसके अलावा बैलेंसिंग की है आपने बस टायरों को, और उसके अलावा मुझे कह रहे हैं जी आप मुझे इतने पैसे दे दो। ऊपर से हाँ जो जो उसने मुझे काम बताए, एक अंदर जो होता नहीं क्या नाम है उसका, जब ही नाम याद नहीं आ रहा, जो स्प्रिंग टाइप होता है उसके ऊपर ना छोटा सा एक रबट है, ठीक है, वो उसका खराब था। तो मुझे कहता है कि ना आप ये चेंज करवा लेना, वैसे ही एहतियात के लिए होता है कि अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, इसकी वजह से आपकी ये मुझे अभी यार नाम याद नहीं आ रहा, माइंड में आ रहा है पर मुझे बोला नहीं जा रहा, तो सॉरी उसके लिए, दोबारा याद आएगा तो मैं बीच में बोल दूंगी। मुझे उसने कहा कि वो रबट डलेंगे, मैं कहा ठीक है ओके। सो पिछले टायर के ना ब्रश थे शायद, उसने कहा वो डलेंगे, मैं कहा ठीक है। उसके बाद उसने मुझे कहा इसकी ब्रेक की तार या हैंड ब्रेक की पता है शायद इस तरह का कुछ मुझे उसने बोला, कहती ये भी डलेगी, मैं कहा ठीक है। मैं कहा ऐसा करें आप मुझे ये बताएं कि कुल कितना खर्चा आ जाएगा, तो पहले कहता है ये आपका ना कम से कम भी 15000 रुपए का खर्चा होगा। कंट्रोल कंट्रोल मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा यार इतने इतने दो रबर्ट, और उसके बाद एक दो जो ब्रश मुझे दिखा रहे इतने इतने से, यकीन माने आप लोगों को पता होगा जो है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, अगर वाकई वो सच कह रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर ये फिल्म है या पैसे बनाने का चक्कर है तो मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि मैंने अभी कोई काम नहीं करवाया। सो मैंने कहा यार चलो ठीक है,
उसके बाद जब उसने मुझे बताया ना कि पीछे ये ब्रेकों का भी हैंड ब्रेक का जो भी हैंड ब्रेक लग भी रही है कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर जनाब जी इसकी हैंड ब्रेक नहीं लग रही आप इसके हैंड ब्रेक लगाया करें क्योंकि ऑटो पे पार्किंग पे मत रखा करें। अगर ये बात वाकई सच है और ठीक है तो आप मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा नीचे, जिन जिनके पास होंडा स्विफ्ट कार है ठीक है वो मुझे गाइड कीजिएगा कि ये क्या सीन होता है ऑटो में, कहते हैं अगर पार्किंग पे लगा दो तो हैंड ब्रेक खींचना लाजमी है या नहीं। उसने मुझे कहा पहले आप न्यूट्रल किया करें उसके बाद आप हैंड ब्रेक खींचा करें उसके बाद आप पार्किंग पे लगाया करेंगे। मैं यार मैंने कभी नहीं सुना बहरहाल, तो उसके बाद यही बात उसके बाद मुझे दे दिया और उसने 3400 बिल बना दिया, तो फिर क्या बिल दे कर आना पड़ा। सो आगे उसने जो खर्चा बनाया है 20,000 रुपया खर्चा बनाया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह 20,000 बना। कहता आप किसी के पास चले गए 20-25,000 रुपया खर्चा। मैं कहा किस चीज का, वो भी मुझे पता चले इतने छोटे छोटे रबट का। यहाँ तो गाड़ी के अंदर कोई गोटे खराब हो, यहाँ तो गाड़ी के अंदर कोई मसला हो मेन, यहाँ तो गाड़ी चलने में वास करे, यहाँ तो गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा मसला नजर आया कि जिससे हमें कहे कि यार ये तो गाड़ी चलने के लायक नहीं है, तो 20-25,000 रुपया खर्चा है। जब गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल सही है, कोई टायर में मसला नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी 20-25,000 रुपया खर्चा। बट मैं आपको इंशाल्लाह उसका भी विजिट आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या मसले हैं। बहरहाल मैं किसी और मैकेनिक के पास या किसी और डायमंड वगैरह जिसके पास भी लेके जाऊंगी और उससे प्रॉपर तरीके से बात करूंगी किसी जानने वाले से, क्योंकि ये अननोन था तो शायद उसने लड़की समझ के बहुत ज्यादा बिल बनाने की कोशिश की। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और चलो आज तो कोई नहीं, बहरहाल एक 400 रुपए की डायमंड मुझे 3400 रुपीज में पड़ गई। अल्लाह बेहतर जानता है और इस तरह के लोगों से तो अल्लाह ही बचाए। और जो जो आप लोगों को अगर पता है इस बारे में कुछ बेहतर तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि उसने सही बोला या गलत बोला या कितने इसके चार्जेस होते हैं और क्या सूरत हाल है और लाहौर में कौन सी ऐसी जगह जहाँ से काम हो सकता है। ठीक है, सो बस आज की यही परेशानी थी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी हमारी बातों वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गज़ल आप क्या कहना चाहेंगी, आप तो आए, आप तो पूरे व्लॉग में नहीं आई। सो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। सो फाइनली काफी ज्यादा बोल चीत करने के बाद गजल मैडम आ चुकी हैं। गाइस इतना इसने फजूल जो ज्ञान इधर बांटा है, ज्ञान नहीं बांटा, मतलब मेरे साथ जो हुआ तो मैंने आपको शेयर किया। हां जो हुआ इसके साथ पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, इतना तंग करती है मुझे, पता नहीं दिमाग खा जाती है ये मेरा। अच्छा बताओ फ्रेंड्स क्या बात करोगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, और यार तुम लोग इंस्टा पे आते ही नहीं हो, बात ही नहीं करते मुझसे, तुम लोग बेवफा हो गए यार। यहाँ पे इंस्टा की प्रमोशन करने के लिए गजब बेइज्जती है, बोला अपने इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हो गए फिर भी बोली जा रही है। और मैं जनाब पिछले दो सालों से 26,000 फॉलोअर्स में बढ़ी, और ये जनाब माशाल्लाह से 4-5 महीने में 33K, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और ज्यादा इसको कामयाब करे। ये देखो इसके नाम होंगे बेचारी के टूर के, मैंने तो कहा यार इसके हम सारे काट लेंगे, 12 रिव्यूबल आ रही है, तो आप सबको 12 रिव्यूबल का महीना बहुत ज्यादा मुबारक हो। सॉरी अभी दुपट्टा नहीं लिया हुआ, आप इस चीज को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बोलेंगे इस तरह बोल दिए, इस तरह ही बोल दिए, सो इग्नोर कीजिएगा। बाकी और क्या कहने लगी थी, हाँ हम जा रहे हैं संडे वाले दिन 2 अक्टूबर को हमजा और बाबर मलिक के कहते हैं मैच में, तो अगर जिस जिसने आना हो हमें ज्वाइन कर सकता है लाहौर मोटरवे सिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़।